तो गाइज एक ऑफर देने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत ही धमाकेदार ऑफर। तो ऑफर रहने वाला है 15 मिनट के लिए। तो ऑफर का प्राइस होने वाला है, अभी थोड़ी बताऊंगा, ब्लॉग शुरू होने दो, पूरा देखो, बीच में कहीं 4-5 सेकंड के लिए बताया हुआ, स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलो क्यों घबरा रहा है? तो गाइस देखो, हम लोग आए अभी सुबह सुबह यहाँ पे, एसी की जो पाइप्स है ये देखो, सारा पानी यहीं गिर रहा है, तो इस वजह से नीचे वाले फ्लोर पे हमारे छत से पानी टपक रहा था। इसमें दबा के टेप मारनी पड़ेगी, फुल टेप से पैक करना पड़ेगा। तो बाकी कभी कभी हमारा वर्कआउट वाला भी वीडियो देखा करो, शुरू करते हैं और वीडियो पूरी देखना। हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस ये चश्मा देख रहे हो, ये कैप देख रहे हो, ब्लॉग तो मैंने काफ़ी देर पहले शुरू कर दिया था, मॉर्निंग में एसी ठीक करने गए थे तो। लेकिन ये जहाँ से शॉपिंग की है मैंने, शॉप को दिखाता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं बहन भाई आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो, तो एक काम करते हैं वहीं चलते हैं सीधा, कुछ देर पहले जहाँ से मैंने ये ख़रीदा और भी बहुत सारे कपड़े खरीदे। तो वीडियो को देखो, और देखने से पहले जो नया अभी चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बस आपके भाई को आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। चले शॉप पे, चलो गाइज। तो गाइज आज मुझे आना पड़ा सुबह सुबह कपड़े ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे ना कल घर जाना था और अपने पास कपड़े तो है नहीं और ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं अभी कि दूसरी शॉप पर चला जाऊँ मैं, और मुझे जो चाहिए वो कहीं और मिलेगा भी नहीं। तो अभी आया हूँ मिस्टर गगन के पास। हेलो भाई, बढ़िया, आप सुनाओ। हेलो, तू कब पहुंचा भाई? तू एक बात बता, है ये मैंने काम पे, क्या था इधर रख लिया मैंने काम पे अपने पास, क्यों बड़ी दुकान होगी संभाली। ये टी-शर्ट दिखा ना जरा, अच्छा लग रहा है यार भाई, दुकान बढ़ा के आपने बहुत बढ़िया बना दी यार। शोरूम है, हैं शोरूम हो गया भाई के पास। तो गाइज मैं अभी कपड़े खरीदने आया, कुछ टी-शर्ट्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टी-शर्ट्स, जिसको भी कपड़े खरीदने हैं ना, मैं अभी कह रहा हूँ मैं जो पहनता हूँ मैं यहीं से खरीदता हूँ, सच में गगन से। हाँ रेट अपने हिसाब से कर लेना, थोड़ा महंगा ऊपर नीचे होगा तो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए तो ठीक है भाई। देखो टी शर्ट्स देखो, और बाकी आप लोग चाहते हो अगर कि मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊँ यहाँ पे शॉप में आकर, ये कोई प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। आप लोग कहते हैं ना भाई कपड़े कहाँ से खरीदते हो, बहन भाई कपड़े कहाँ से खरीदते हो, मैं इनसे कपड़े खरीदता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी अपने हिसाब से देख लेना, मेरे ऊपर को एक कैप अच्छी दिख रही है, कैप दिखाओ जरा रेड कलर वाली भाई, ये मत लो। क्यों? दूसरी है ब्लैक वाली। अरे यार इस ये वाला चाहिए बड़ा, ये देखो कैप, देखो कितनी जबरदस्त कैप मिलेगी आपको यहाँ पे, और बहुत अच्छे रेट पे मिलेगी। रेट अच्छा होता मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ प्रमोशनल वीडियो नहीं है, देख लो बाकी रेट अपने हिसाब से कर लेना। नाइस। तो गाइस ये बताओ, ये कैप और ये चश्मा कितने कितने का लग रहा है? कितने का नहीं, कैसा लग रहा है? तो गाइस मैंने अभी कुछ कपड़े खरीदे हैं, काफ़ी सारे खरीदे हैं, लेकिन मैं हर एक वीडियोस में डेली जैसे चेंज करूंगा, जब भी कपड़े यहाँ के पहनूंगा वो दिखाऊंगा कि ये लुक मैंने यहाँ से ख़रीदा है, क्योंकि मैंने ये भी खरीदा, ये भी खरीदी, ये टी शर्ट्स भी खरीदी है और भी बहुत कुछ खरीदा है। तो चलें अब जिम की तरफ चलते हैं, अंश इंतज़ार कर रहा है, वर्कआउट भी करना अभी बाकी है। तो गाइस कपड़े खरीद लिए, अब निकलते जिम की तरफ, वर्कआउट करना अभी वर्कआउट बाकी है। तो बताना कैसा लग रहा है ये लुक, बढ़िया लग रहा है? अंश खुश होगा देखना, अंश की खुशी अलग ही होगी, नेक्स्ट लेवल मुझे ऐसे देखकर। अंश का कहना था भाई आप निक्कर पहनो, शॉर्ट्स पहनो, आप सैंडो पहना करो, आप जवान लगते हो। मैंने कहा भाई जवान तो हूँ। हेलो अंश, ठीक है लुक कैसा? अंश भाई ऐसा ही कहता मुझे कि भाई आप निक्कर सैंडो चश्मे टोपी पहना करो, तब आप जवान दिखते हो। हाँ जी, मतलब 22-23 साल की उम्र होगी सर, थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दिया आपने। भाई साहब ने पेटीएम किया है 500 रुपये, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। मैंने बोला था भाई को कि भाई आपने कम एज बतानी है मेरी, वैसे भी यार ज़्यादा नहीं है, 32 ही है खाली। तो क्या हुआ, 32 हम दिखने में, अंदर से तो हम जवान हैं। भाई देखो हमारे भाई भी अभी 23 साल के हुए, 1 साल बड़े हमसे, और ये मैंने भी पैसे दिए। अंश आप कितने साल के हुए? 10 साल। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? सही लग रहा है भाई?
बहुत टाइम बाद चश्मा पहन रहा हूँ मैं, पहनता हूँ मैं, आपने देखा होगा वीडियोस में, लेकिन कभी खरीद के नहीं पहना, मांग के पहनता था, आज पहली बार खरीद के पहना है, लेकिन बहुत सस्ते में खरीदा है, जिसको रेट का पता करना है आप मुझे पता, बहुत लोगों ने देख लिया होगा कितने का होगा। शर्मा पहन के देखना चश्मा कैसा लग रहा है भाई, पहन तो सही। अरे शर्मा क्यों रहा, यहाँ देख, यहाँ देख भाई, तुम तो जबरदस्त लग रहे हो, सच में जच रहा तुम्हारे ऊपर, पहन के देखो ना पूरा अच्छे से दिखाओ। आयुष को दिखाने का तो बहाना है, पीछे देखो ऑफर दिखा रहे हैं आपको ईयरली 12,000। इसे देखो, ये छोटू प्रसाद जिम में आ गया है। वर्कआउट करोगे ना तुम अभी? वर्कआउट करने नहीं आई हूं मैं। तुम करोगी अभी? नहीं यार। चलो फटाफट बात करके आओ, पेट में दर्द है, जल्दी आ जाओ, ठीक है जल्दी आ जाना। तुम वो नहीं आई, पायल आई या नहीं आई? पायल क्या लगी? हां ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो बाकी बाकी ठीक है, नदी किनारे मत जाना। नदी किनारे क्या है? नहीं जाना, बस मना किया मैंने। नदी किनारे पहले नहीं, नहीं जाना यार, पहले बताओ यार। मैं इसे ना नदी के पास जाने के लिए मना करता हूँ, ये मानती नहीं है। मैंने इसे और अपने ब्लॉग में दूसरों को कहती थी कि नदी के पास मत जाओ, क्योंकि कभी पता नहीं होता है, पैर फिसल गया, कई बातें हो जाती है। गुट्ठू और भाई आटी जी कैसे है, कैसा चल रहा नीचे जिम? ठीक चल रहा है आपका जिम? कब आ रहे ऊपर? अच्छा जी, अच्छा जी। हेलो, हाँ जी, कैसा चल रही है आपकी एक्सरसाइज, कैसी चल रही है? ओए दूसरी तरफ जा, बहुत काला हो रहा तू ऐसे ही। तो गाइस अभी अपना वर्कआउट चल रहा है, अंश का सेट चल रहा है, शाश। अब मेरी टर्न है, मेरी टर्न, लाइक अभी क्योंकि किसी भाई ने डिमांड की थी, भाई बॉडी बना के दिखाओ, बनाएंगे, कोशिश करेंगे, अभी कैसे है, हालत खराब है, लेकिन बनाऊंगा जरूर। ये देखो महादेव भाई भी अब चश्मा लगा के एक्सरसाइज मारे। चलो सेल्फ मारो ना स्पोर्ट में देना, तब लोग तारीफ करेंगे। चलो मारेंगे मारेंगे, चलो दो ही लगाओ चाहे। बाकी अभी अभी तो बाकी अभी अभी जिम वापिस आया हूँ गाइस यार, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी भी अपने, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, टेंशन नहीं है कोई, कोई जल्दी नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना है। चल अंश निकाल दे 50, 1, 2, 3। भाई क्या हो गया? जबरदस्ती कर रहा हूँ, दम लगा रहा हूँ। गवाश महादेव भाई, वाव वाव। इस महारानी को देखो, तो मुझे छोड़ के घूमने जा रही हो, क्या बात है, तेरी स्किन तो बड़ी चमक रही है। नमस्कार, आपका वर्कआउट नहीं हुआ आज? ये करने कहाँ देती है? इसे बोलना, इसे बोलना ब्लॉग बना देना प्लीज अच्छे से। फोन कर लेती है, कहाँ है तू, आई थी अभी तक, मैंने घूमने जाने वाली। ये घूमने फिरने में खुश रहती है, घूमने फिर लेके जाना कहीं भी। अच्छा तभी नाराज से तुम एक दिन भी चलो ठीक है, ओके बाय बाय, जाओ छोड़ के जा रही हो ना तो मुझे ये झोला उठाकर, अरे वो करूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह नीचे लेट जाऊं। तो गाइस आज का अपना वर्कआउट डन, बहुत मजा आया, वैसे पूरा वर्कआउट तो नहीं दिखा पाया आप लोगों को, नहीं तो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती, बोरिंग हो जाती है, मानता हूँ मैं, बोरिंग भी होती है कभी कभी वीडियो, हमेशा तो अच्छी नहीं आएगी ना, आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सारी वीडियो देखा करो। अभी अपना वर्कआउट ख़त्म, पल्लवी और पायल गए घूमने, हम हैं जिम पे क्योंकि कुछ काम बाकी है, काम तो हर दिन बाकी है, काम ख़त्म नहीं होना चाहिए कभी भी, तो अब जा रहे हैं डाइट लेने, उसके बाद कहीं भी जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं हो रहा। तो गाइस एक काम करने वाला हूँ मैं, रात को 8 बजे एक ऑफर देने वाला हूँ आज, आज क्योंकि आज के आज मैं ये ब्लॉग डाल रहा हूँ, सैटरडे है आज, और सैटरडे रात को 8:10 पे एक ऑफर आने वाला है 5500 रुपीज 6 मंथ,
सिर्फ 8:15 से 8:30 बजे तक, उसके बाद कोई भी भाई बोलना मत कि कर दो भाई ये कर दो वो ऑफर चला रहे थे। ऑफर का मतलब होता है ऑफर 5500 रुपीज 6 महीने का एक साथ। आप बोलोगे ऑनलाइन बुक करवाना, नहीं होगा, आना पड़ेगा। पुल अप्स मारो, 1 2 3 आशाश। ये हमारे मामू साहब साउथ अफ्रीका के प्लेयर, क्रिकेट टीम के मामू साहब, हमारे पहले साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर थे, लेकिन इन्हें क्रिकेट टीम से निकाल के हॉकी टीम का प्लेयर बना दिया गया। तो गाइस अंदर लाइट नहीं और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। कल रात को बारिश हुई थी फिर भी गर्मी बहुत तेज है आज। अंश देखो अभी भी यहीं है। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आप लोगों को पता लग गया कि जिम में क्या होने वाला है, तो टाइम बिल्कुल ख़राब मत करना। बाकी चलो एक काम करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। बाकी हम लोग घर जाने वाले हैं आज।